बहुत अच्छी नौकरी है पचास प्लस का पैकेज मिलेगा और कन्वेंस भी वो देंगे अच्छा शुक्र है लाख लाख तुम्हें नहीं पता कि जॉब करने की क्या हेडेक्स होती है क्या हसल्स होते हैं चल अब देख लूंगा ना और वहां जाकर लाहौर में रहोगे हम उदास नहीं हो जाएंगे तुम्हारे बगैर मुबारक हो भाई आपकी बेटी की शादी है रिश्ता तय कर लिया बाकी सारे मामले तय कर लिए तो फिर मेरे आने ना आने से क्या फर्क पड़ेगा बहुत अच्छी लग रही है काजी साहब आ गए निकाह के लिए बाय नहीं और शादी हॉल पे भी वो शायद ना हो पर ये नई बात तो नहीं है खैर इस हमारा तो बॉटम लाइन है कि मुझे तुम्हारा इस तरह रात को देर कॉन्सर्ट्स में लड़कों के साथ जाना बिल्कुल पसंद नहीं है ठीक है ज़ारून

सेवा नहीं कौन सी बात है तुम तो टिपिकल माओ की तरह बात कर रही हो बस और कुछ नहीं वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपके मुंह से इस तरह की बातें सुनते हुए अजीब सा लगता है खैर कोई टिपिकल विपिकल नहीं है मतलब माँ तो मैं हूं ना कंसर्न नहीं हो सकती क्या हद हो गई अच्छा ये बताओ कि वो लाहौर में नफीज साहब मिला था क्या वो मुलाकात तो नहीं हो सकी उनसे लेकिन फोन पे बात हो गई थी मेरी अच्छा सलाम कह रहे थे ये लो आई अरे आप क्यों नहीं मैं खुद बना देती हूँ अपने लिए खुद क्यों बना देती भाई मुझे अच्छा लगता है तुम्हारा काम करना और वैसे भी अब घर में तो कोई है नहीं जिसके लिए मुझे इतना काम करना पड़े तुम भी तो चंद दिन की मेहमान हो इधर इम्तिहान दोगी उधर लाहौर चली जाओगी फिर इम्ते मौका मिलेगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ अरे अम्मी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आज ही मैं इम्तिहान दे दूंगी और कल ही लाहौर चली जाऊंगी अभी तो पता नहीं और कितने और मिसाइल आने हैं और ये भी नहीं पता कि मैं पास होंगी या नहीं ऐसे क्यों कहती हो बेटा कि तुम पास होगी या नहीं अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए इंशाल्लाह सब अच्छा होगा तुम्हारा अच्छा नसीब है बेटा तुम जहीन हो मेहनती हो इनशा जरूर कामयाब होगी रिश्वत और चलती हैं हर चीज़ मेरिट पे नहीं होता कि और मेहनत काम आ जाए हाँ सिफारिश होती है हाँ, पैसे भी चलते हैं लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि इंसान अपने ऊपर एतमाद ना रखे बेटा हाँ मुझे तो यूं लगता है कि जैसे तुम्हें अल्लाह पे भरोसा नहीं रहा सिर्फ अल्लाह पर मेरा यकीन कमजोर नहीं है हर शख्स और चीज में मेरे यकीन का यही हाल है अम्मी इसलिए कि तुम्हारा अल्लाह पे ईमान कमजोर इसीलिए हर शख्स पे तुम्हारा यकीन भी कमजोर और की बातचीत बंद हुई भी है जारून, तो कुछ पूछ रही हूं यार हाँ क्यों बस ये बता दिया ना कि मेरी बातचीत खत्म है उससे अब आगे क्या मसला तुम्हें? कम ऑन जारून तुम कब इस तरह की स्टूपिड बातें करना बंद करोगे कभी भी नहीं। चुनाव you know I never knew कि तुम्हारे और स्मारा के दरमियान compatibility के इतने ही shoes हैं। मुझे भी नहीं अंदाजा था। तुम आखिर किस किस्म की लड़की से शादी करना चाहते हो? If you have a problem with Asmara's lifestyle, तो इसका तो कुछ नहीं हो सकता। हमारे सर्कल में हर लड़की ऐसी मिलेगी तुम्हें। You see that's the problem. यार मैं अपने मियाँ को क्या कहूँ जब मेरे घर में यही हाल है? All you men are the same. तुम लोग को औरत से क्यों इश्यू है यार स्पेशली उस औरत से जिससे कोई रिश्ता जुड़ गया हो सारा तुम मुझे बताओ कि हर औरत फ्रीडम को आदमी की ईगो और अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए क्यों हर वक्त इस्तेमाल करती है तुम्हें मेरा पॉइंट समझ नहीं आएगा मुझे तुम्हारा पॉइंट समझ नहीं आएगा तो इसलिए इस डिस्कशन को यहीं पे खत्म कर देते हैं ना ओ यार मैं तुम्हारी सिर्फ दोस्ती करा रही थी अस्मारा से व्हाई डोंट यू रियलाइज दैट सारा मैं से दोस्ती कर लूंगा लेकिन उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं यानी ये झगड़ा अभी और चलेगा हाँ तुम्हारे और फरहान के झगड़े की तरह देखो मेरी और फरहान की सिचुएशन से मत रिलेट करो अपनी सिचुएशन हमारा कोई और भी इशू है क्यों जो मेरे और स्मारा के इशू की, की बुनियाद है आई थिंक तुम्हारी और फरहान की इशू की बुनियाद ही वही है आई गिव अप नो वन कैन हेल्प यू स्मारा को क्या कहूं तो? कुछ भी नहीं मिश्रा आना जी मैंने ये आपके असेसमेंट पेपर सब देख लिए हैं अच्छा। एक नजर आप भी देख लीजिएगा अच्छा ओके मैडम फिर हम दो घंटे में बैठ के इस पे बात करें ठीक है ओके थैंक यू हेलो हेलो अम्मी कश्यप क्या बात है तुम रो रही हो अम्मी, क्या हुआ बेटा? क्यों रही हो मुझे तबियत तो ठीक है तुम्हारी अम्मी मेरा रिजल्ट आया है। CSS का? जी तो बेटा इसमें रोने वाली कौन सी बात है अगले साल फिर इम्तिहान दे देना इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले साल तुम जरूर पास हो जाओगी अम्मी मेरी अठारवी पोजीशन आई है अठारह पोजीशन <laughs> अब आप क्यों रो रही हैं? रोने वाली बात तो नहीं है ये अरे नहीं बेटा मैं रो थोड़ा रही हूँ मैं तो बहुत खुश हूँ <laughs> बहुत खुश हूँ <laughs> <laughs> बहुत खुश हूँ बहुत जीती रोत गेट <laughs> अच्छा तू है आजा आजा। अच्छा। ये क्या है तेरे पास मिठाई है, है? कहा से आई कहीं से नहीं आई मैं लेकर आया हूँ राफी आंटी की तरफ गया था उन्होंने दिए पता है ने मुकाबले का इम्तिहान पास पास कर कर लिए लिए कौन से इम्तिहान इम्तिहान मुकाबले का पता है अब वो असिस्टेंट कमिश्नर लग जाएंगी अब ये तुझसे किसने कहा राफी आंटी ने बताया मुझे ये मिठाई भी उन्होंने दी है मुझे मैं तो वहां से खूब खाकर आया हूँ उन्होंने कहा ले घर वालों को भी खिलाना हाँ जाहिर है हमें तो मिठाई भिजवानी थी उसने अल्लाह ने से मौका जो दिया हमें जलाने का अरे अम्मी हम क्यों जलेंगे भाई और तू जो है ना हर जगह बैठ के मिठाइयाँ खानी शुरू कर दिया कर खाली मिठाइयाँ थोड़ी खाई आज तो खूब खाने शाने बने हुए थे वहां पे भाई कशाबाजी आ रही है ना तो उन्होंने मुझे भी खिला दिया तू हमेशा जो है ना दूसरों की मिठाइयाँ खाना हमें मौका ना देना कि हम कभी मिठाई बांट सके भाई मैं कहाँ से मौका दे दूँ अभी तो बीए के इम्तिहान भी इतना दूर है हाँ तो पास भी होते तो तूने कौन सा तो तीर मार लेना था लो भाई अब वो पास नहीं है तो उसमें भी मेरा कसूर माफ़ कीजिएगा वो कश्यप ने मुकाबले का इम्तिहान पास कर लिया क्या तो उसने इम्तिहान दिया कब मुझे क्या पता हम आद बता रहा था कहता था बड़े अच्छे नंबरों से पास किया अब सुना है कि वो, वो लगेगी असिस्टेंट कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर जरा बुलाना हमाद को पूछे हमाद वो नहीं है घर पे और आपने क्या पूछना है बता तो रही हूं मैं सब कुछ ऐसे ही मैं जरा कंफर्म करना चाह रहा था चा? अच्छे नंबर लिए असिस्टेंट कमिश्नर लायक तो वो थी शुरू से ही तो तो क्या तो कुछ नहीं समोसा खाओ कैसा है अच्छा हेलो जी सलामकुम आंटी कैसी हैं आप वालेकुम सलाम बेटा कैसे हो मैं ठीक ठाक खैरियत आज अस्मारा का फोन आपके पास कैसे अस्मारा आज ही दुबई गई है तो अपना फोन जाते हुए मेरे पास छोड़ गई इली? खैरियत है दुबई का बैठे बैठाए प्रोग्राम कैसे बन गया कोई शो है वहाँ पर जो वो देखने गई है दोस्तों के साथ कौन से दोस्तों के साथ पूरा ग्रुप है बेटा जिसमें नोफिल है नादिया है फाइक है जिया है बहुत सारे बच्चे हैं ओह अच्छा तुम्हें नहीं बताया उसने नहीं मुझे बताया होता तो मैं आपसे क्यों पूछ रहा होता ओ भूल गई होगी बेटा जी या शायद उसने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा अच्छा छोड़ो ये बातें मुझे तुम ये बताओ कि तुम वापस कब आ रहे हो ये अस्मारा दुबई से कब वापस आ रही है बेटा अस्मारा तो चंद दिन के लिए गई है वीकेंड तक वापस आ जाएगी ओके बेटा खुदाफिज अस्सलाम वालेकुम सर मुबारक हो सलाम मुबारक बात की मुबारक दे रहे हैं भाई जी लो जी अब तो आपने अनजान बन नहीं है बेटी जो अफसर होगी आपकी ओह oh, oh. अच्छा 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 हाँ हाँ खैर मुबारक खैर मुबारक बहुत मेहरबानी है आपकी अब कोई काम हुआ ना तो हम आपके पास ही आएंगे अब ये ना हो कि आंखें फेर ले आप बेटी के अफसर होने के बाद नहीं नहीं आप तो अपने हैं आपसे कैसे आंखें फेर सकते हैं सोबिस बिस्मिल्ला जब जी चाहे आप आइएगा आपके काम नहीं कर तो किसके काम करने ये तो मिठाई वाली खबर है मतलब साहब अब तो मिठाई खिलानी पड़ेगी आपको अरे हाँ अनु मिया मैं मिठाई लेने ही तो जा रहा हूँ बिल्कुल मुंह मीठा करवाते हैं आपका बड़ी मेहनत की है आपकी बेटी ने अजी मेहनत तो बहुत की है उसने भाभी ने बहुत मेहनत की है बच्चियों के साथ ऐसी बीवी और बेटियां नसीब वालों को ही मिलती हैं। सौ सौ बेटों पे भारी होती हैं ऐसी बेटियां जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिठाई लेने जा रहा हूँ मिठाई लाता हूं तो मैं आपका मुंह मीठा करवाता हूँ बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया आपका याद रखिए दवाओं में याद रखिएगा। आ रही, हूं, आ रही हूं, एक मिनट रुक जाओ जी आप, आइए आइए वो मैं मैं ये ये लाया था क्या है मिठाई है। मिठाई मगर लिए कशफ का पता चला ना मुझे अच्छा बहुत खुशी हुई तुमने मुझे बताया ही नहीं मैंने सोचा मैं मुबारकबाद दिया हूं तुम्हें खैर मुबारक लेकिन मिठाई लाने की क्या जरूरत थी घर में तो अब कोई नहीं है जो मिठाई खाए आप खड़े क्यों हैं बैठिए है ना कैसी हो कश्य घर पे ही है सो रही है आप चाय पिएंगे नहीं शुक्रिया जिस घर में इज्जत ना हो वहां चाय क्या पीनी हां चाय चाय पी लू जी मैं लाती हूं कश्यप कश्यप उठो बेटा अब्बा आए अब्बा तुम्हारे अब्बा बेटा इसलिए आए हो चलिए उठो बेटा मैं चाय बनाती हूँ तुम जाके उनके पास बैठो मैं क्या करूं उनके पास बैठकर उठो ना मेरी जान कश्यप नहीं, नहीं आई नहीं। दरअसल रात को बहुत देर से आई है ना थकी हुई थी मैं बुला के लाती हूँ नहीं नहीं, नहीं, नहीं। रहे है सो रही है तो। नहीं नहीं मैंने उठा दिया था मैं अभी बुलाती हूँ ओहो कश्यप अभी तो उठा कर गई थी फिर सो गई उठो ना बेटा उठो वो इंतजार कर रहे हैं उनके पास जाके बैठो अम्मी मैं उनके पास बैठकर क्या करूं तुम्हें मुबारकबाद देने आया बेटा तो आप लेना उनसे मुबारकबाद बुरी बात बेटा जल्दी से तैयार होकर आओ दो घंटे से इंतजार कर रहे हैं वो तुम्हारा आ जाओ बेटा सिदरा ठीक ठाक है जी हाँ बिल्कुल माशाल्लाह से खुशबाश है अपने घर में कहाँ होती है अमेरिका में अर्जीनिया में फोन करती है? हाँ हाँ फोन करती है तकरीबन हर रोज ही बात हो जाती है मुझे पता ही नहीं चला वो कब चली गई नहीं मैं, मैं जरूर आता उससे मिलने अगर मुझे पता चल जाता तो शैलेना की स्टडीज कैसी चल रही है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम बेटा आओ बेटा यहाँ बैठो मैं यहीं पे ठीक कैसी हो तुम ठीक ठीक हो मुबारक हो बेटा शुक्रिया मुझे हमाद ने बताया था रात को तो बहुत रात हो गई थी तुम बस सुबह उठते ही सीधा यहाँ आया जहमत की आपने नहीं बेटा इसमें जहमत वाली कौन सी बात है ट्रेनिंग कब से शुरू हो रही है तुम्हारी उसकी डेट अभी अनाउंस नहीं हुई डीएमसी में एलोकेशन हुई है जी माशाल्लाह उसकी ट्रेनिंग के लिए तो लाहौर जाना होगा जी बहुत से लोग हैं मेरे जानने वाले लाहौर में बहुत से हैं जब तुमने जाना होगा मैं फोन कर दूंगा इनशाला बहुत ख्याल रखेंगे तुम्हारा उसकी कोई जरूरत नहीं होगी हाँ हाँ ठीक कह है रहे हैं बेटा जान पहचान हो तो जरूरत के वक्त काम आ जाते हाँ, बिल्कुल अम्मी जरूरत के वक्त पर कोई काम नहीं आता ओहो oh हो oh oh, फरहान भाई क्या हाल है आपके आ, बस ठीक क्या हाल है मैं ठीक आप सुनाए काफी देर से बात नजर आ रहे हैं चले अंदर गपशप लगा गपशप तो मैंने भी तुम्हारे साथ लगानी है मगर अंदर के बजाय कहीं बाहर ना चले चले चलते हैं थोड़ी देर बैठते हैं अंदर उसके बाद चले चले आ जाए मैं आपको चाय पिलाता हूँ बड़ी मजे की ओके किस तरह बात कर रही थी तुम उनसे बेटा क्या सोचते होंगे वो क्या सोचते होंगे शर्मिंदा कर दिया तुमने उन्हें उन्हें मैंने उने कैसे शर्मिंदा कर दिया मिठाई लेकर आए थे मुबारकबाद देने आए थे दो घड़ी पास बैठ जाती बात कर लेती उनसे ना मुझे उनकी मिठाई की जरूरत है और ना उनकी मुबारकबाद की घर जाके तुम्हारे इखिला के बारे में क्या कहते होंगे वो अम्मी पिछले सात आठ साल से मैं इतने धक्के खा रही हूँ कि बेखलाक नाम की चीज मेरे अंदर से बिल्कुल खत्म हो गई है और अब दुनिया दिखावे के लिए भी मैं अख्लाक नहीं दिखा सकती खास तौर पर उन लोगों के जो हमारी जिंदगी में जहर के जिम्मेदार हैं वहां है पर वो तुम्हारे बेटा तो मैं क्या करूं इसके बारे में देखो बेटा जब अल्लाह ताला जिंदगी में इज्जत देता है ना तो लोगों को माफ कर देना चाहिए तो आप है ना इस काम के लिए आप करें जिंदगी में ना मैंने किसी को तकलीफ दी है और ना किसी को खुश कर सकती हूँ मैं बस अब चाहती हूँ कि अब्बा उसी फासले पर रहे जितना वो हमेशा से रहे हैं अब भी इतना ही इंडिफरेंट रहे जितना वो हमेशा से रहे हैं लेकिन बेटा एक अच्छी तब्दीली आ रही है उनमें तो तुम्हें क्या ऐतराज है अच्छी तब्दीली बैठे बैठाए अफसरे की खबर सुननी तो उनके दिल में हमारे लिए मोहब्बत जहाँ गई है और आप चाहती हैं कि मैं सफेद झूठ का यकीन करूं लेकिन बेटा दुनिया तो ऐसी ही है ना मैं दुनिया की बात नहीं कर रही अम्मी अपने बाप की बात कर रही हूं मुझे तुमसे इस इशू पे बात करते हुए बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है और सच पूछो तो मैं तुमसे इस टॉपिक पे बात करना ही नहीं चाहता था अगर आप मेरे पास शायद कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। आप अपने के हवाले से मुझसे बात करना चाह रहे हैं ये एक मसला है जिसका हल नहीं ढूंढ पा रहा हूं मैं फरहान भाई आई कैन अंडरस्टैंड यूर प्रॉब्लम रियली कैन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने सारा से बहुत दफा कोशिश की है इस मसले पे बात करने की लेकिन शी इज वेरी स्टबन शी जस्ट टू मी सारा का स्टबन होना ही तो सबसे बड़ा मसला है सरु मैंने उस पर कभी भी किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं आई की उसे पूरा फ्रीडम दिया सिर्फ इसलिए कि मेरे और उसके दरमियान ट्रस्ट का रिलेशनशिप कायम हो सके मुझे कभी कभार लगता है कि मेरी सबसे बड़ी हिमाकत ये थी सारा के नजदीक मेरी और मेरी किसी बात की इंपॉर्टेंस ही नहीं मैं उसे क्या चाहता हूं क्या एक्सपेक्ट करता हूं मैं अगर उसे किसी बात से रोकता हूं तो वो जिद में आकर वही बात करती है और अगर मैं कोई रोक टोक नहीं रखता तो घर का सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है यार मुझे भी अंदाजा नहीं था कि वो इस हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी देखो सारून मैं मैं ये शादी निभाना चाहता हूं सीरियसली लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये शादी कैसे निभेगी, सारा के इस किस्म के मिजाज के साथ मैं भाई एम आप मुझसे क्या चाहते हैं सिर्फ इतना कि तुम भाई होकर उसके करीब हो प्लीज उसे समझाने की कोशिश करो मैं उसे बहुत मोहब्बत करता हूं रेली really? लेकिन शादी के नाम पर मैं चौबीस घंटे टेंशन लेके नहीं फिर सकता आई एम सॉरी प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड यार। बताए गए थे ना आप राफिया के घर अब मुझसे झूठ मत बोलिएगा झूठ बोलने की जरूरत क्या है मुझे क्या था? पहले ही पता था आपसे कहां रुका जाएगा मसला क्या है इसमें मेरी बेटी ने सीएसएस किया है मुबारकबाद देने गया था इसमें क्या बुराई है और उन मां बेटियों ने मुंह भी नहीं लगाया होगा वह मैं तुम्हारा क्यों नहीं लगाना था मुंह बाप हूं मैं इज्जत से बिठाया चाय पिलाई हाल चाल पूछा से ही हो गया क्यों इसमें मोजे वाली क्या बात है कश्य मिली थी बिल्कुल मिली थी बता रही थी कि वो लाहौर जा रही है ट्रेनिंग के लिए मैंने कहा मैं अपनी बेटी को खुद छोड़ने जाऊंगा अब जाऊंगा इनशा लाहौर उसके साथ बहुत दोस्त है जिम्मेदारी लगा के आऊंगा उनकी ड्यूटी के 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 का ख्याल रखना बेटी की मोहब्बत कैसी दिल में जाग रही है ना हाँ भाई सॉरी अफसरी की शान है भाई क्या मतलब है तुम्हारा छोड़ो अच्छी तरह जानते हैं आपके क्या मतलब है मेरा

क्या मतलब है तुम्हारा मेरा मतलब ये है कि अगर मेरे अंदर सारा को बर्दाश्त करने का स्टैमिना नहीं है तो वो तो फरहान है उसका शोहर मां आपको सारा को समझाना चाहिए उसे शादी और शोहर की इंपॉर्टेंस के बारे में बताएं बींग करियर वोमन डजेंट मीन कि वो अपने हस्बैंड को इस तरह ट्रीट करे सर आई हैड एनफ आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट एनी एक्सलेंट बेटा कश्यप आज तुमने मुझे बहुत खुश किया है आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा शाबाश थैंक यू सर अब तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी जी जी अभी शुरू हो रही है शाबाश बेटा इसी तरह ऑनेस्टी से मेहनत से लगन से काम करती रहो और हां उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जो तुम्हें दूसरों से डिस्टिंग्विश करती है मैं आपकी एडवाइस को जरूर याद रखूंगी और इस पर अमल करने की भी कोशिश करूंगी शाबाश और हाँ अगर जिंदगी में कभी किसी भी काम की जरूरत हो कोई भी काम तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू यू नो इट थैंक यू सर रेडी लो। आप मम्मी, वी हैड एन एब्सोल्युटली अमेजिंग टाइम. शुड हैव कम विद रियली? तुमने मुझे ऑफर ही नहीं मैं कैसे चलती मैंने ऑफर की थी आप खुद नहीं आए चलो नेक्स्ट टाइम चलूंगी इंशाल्लाह अरे मैं बताना भूल गई जारून का फोन आया था अच्छा कब जिस दिन तुम गई हो उसी दिन आया था जब मैं यहां होती हूँ तो कभी फोन नहीं कॉल क्या कह रहा था नथिंग स्पेशल तुम्हारा बस पूछ रहा था कोई खास बात नहीं चल कॉल इम आफ्टर ब्रेकफास्ट सो गुड टू सी यू गुड टू सी यू टू जिंदगी में पहली बार मैंने किसी मर्द के मुंह से अपने लिए बेटा का लफ्ज सुना ये वो लफ्ज है जो मैं हमेशा अपने बाप से सुनना चाहती थी शायद वो कभी कहते होंगे मेरी बचपन में लेकिन मुझे याद नहीं और आज सर अब्रार के मुंह से बेटा का लफ्ज सुनकर मैं मैं नहीं जानती मेरी क्या कैफियत हुई पता नहीं खुशी से हुई या रंज से सगे रिश्तों के होते हुए मोहब्बत और शफकत नाम की चीजों के लिए तरसने से बड़ी बदकिस्मती क्या होगी और मैं यकीनन मोहब्बत के मामले में बदकिस्मत हूँ और सगे रिश्तों के मामले में उससे भी ज़्यादा सर अबरार का मेरी ज़िंदगी में हमेशा एक ख़ास रोल रहा है वो बाप नहीं है मेरे मगर बहुत दफ़ा वो मुझे बाप जैसे ही लगे हैं काश मैं कभी उन्हें यह बता सकती कभी कभार हम अपने खूनी रिश्तों से मायूस होकर उन रिश्तों को उन चेहरों में ढूंढना शुरू कर देते हैं जो हमें प्यार और तवज्जो देते हैं पता नहीं यह सही होता है या गलत लेकिन मेरी जिंदगी में यही होता है पापा मैं उस आदमी के साथ अब नहीं रह सकती स्पेशली इस हरकत के बाद हाउ डेयर ही डू दिस टू मी उसकी हिम्मत कैसे हुई कि करें जारून का कोई ताल्लुक ही नहीं है सबसे उसने जान के के मुझे इंसल्ट किया मेरी फैमिली के सामने आई कांट लिव विद हिम ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि जिसपे कोई बंदा घर छोड़कर आ जाए बाबा आप कैसी बातें कर रहे हैं अगर ये मसला नहीं है तो फिर किस मसले पे मैं घर छोड़ के आऊंगी किसी भी मसले पे घर छोड़ के नहीं आना चाहिए इससे कुछ हासिल नहीं होता पापा मेरा दम घुटता है फरहान के घर में पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है उसके दिमाग में किसी नाइनटीन की औरत का जिसमें पूरा नहीं उतरती देखो फरहान को बुलाकर ना इस मसले का हल तलाश करते नो पापा इस मसले का कोई हल नहीं है आई एम नॉट गोइंग टू लिव विद मैन मैं मम्मी का इंतजार करूंगी वो आएंगी तो उनसे बात करूंगी एंड देन मैं डिवोर्स के लिए फाइल कर रही हूँ बहुत हो गया सुनो बेटा कश्यप तुम्हारे अब्बा आए थे बेटा जिसलिए वो कह रहे थे कि वो खुद तुम्हें लाहौर छोड़ने जाएंगे वो कह रहे थे कि नया शहर है ऊपर से इतना बेशुमार सामान है तो कोई साथ होगा तो अच्छा रहेगा अम्मी पिछले चार पांच साल से मैं हर जगह अकेली ख्वार होती फिर रही हूं आप कौन सा बोझ है जिसके लिए मुझे उनके कंधों की जरूरत है आप उन्हें बता दीजिएगा कि जैसे पहले हर जगह धक्के खाते खाते जाती थी उसी तरह मैं लाहौर चली जाऊंगी उन्होंने अगर कुछ करना है तो वो आपके लिए करें हम अब उड़ना सीख गए उनकी परों की कोई जरूरत नहीं है अब मैं इतनी भी बदले आज नहीं हूं बेटा कि मैं उनसे कह देती कि उनकी बेटी उनकी कोई जरूरत नहीं इसमें बदलेहाजी की क्या बात है सच है ये और प्लीज आइंदा इस तरह उनके ऑफर्स मुझे मत पहुंचाइएगा मुझे दुख होता है वो मेरे दिल और नजरों में और गिरते हैं थोड़ी सी तो इज्जत रहने थे उनकी मेरे दिल में क्या तरीका है हाय मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूं बंदा फोन उठाने की जहमत कर सकता है ना तो तुम्हारी मर्जी नहीं होती तुम भी मुझे कॉल नहीं करती है ना ही मेरा फोन उठाती हो कम से कम मैं तुम्हारी तरह महीनों चुप का रोजा रख के तो नहीं बैठी रहती ना सॉरी बिजी था मैं बिजी थी हुँ? मुझे इग्नोर कर रहे हो

I, don't even know why I came here. तुमने नाराज रहना रहो कई हफ्तों से सोच रहा था तुम्हारी तरफ आने का बस वो फुर्सत नहीं मिल रही थी तो कशफ तो चली गई होगी जी भाई साहब चली गई ट्रेनिंग के लिए माशाल्लाह माशाल्लाह क्या तुम्हारे अल्लाह ने दिन फेरे बेशक और ये बेटियों की वजह से फिरे हैं हाँ, नहीं तुमने तो बहुत मेहनत की है अपनी बेटियों पर और जिंदगियां बना दी उनकी ना बेटियां तो हर खानदान में होती हैं और हर खानदान में बोझ ही होती हैं बेटियां बोझ होती नहीं है बना दी जाती हैं भाई साहब और बोझ तो कोई भी हो सकता है चाहे बेटी हो या बेटा बात अगर बनती है तो सिर्फ और सिर्फ तालीम और तरबियत से और तवज्जो से हम्म नहीं वही 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 मैं कह रहा हूं तुमने तो जिंदगी बना दी अपनी बेटियों की माँ बाप का काम यही होता है कि अपनी औलाद की जिंदगियां बना दें और माँ बाप को अपने बच्चों की जिंदगियां बनानी चाहिए लड़की या लड़के होने की वजह से किस्मत के बारे में पेशन गोया नहीं करनी चाहिए ना ही माँ बाप को ना ही खानदान को ना ही माशरे को सही है वो नहीं फर्क करना चाहिए बेटी और बेटे में अब देखो हम माद है तो कौन सा नाम रोशन कर दिया उसने तो? ही अभी तक करता जा रहा है उसके ऊपर खर्च उसकी पढ़ाई उसके तमाम अखराजत वही कर रहा है नहीं ठीक हो जाएगा भाई साहब हमाद लापरवाह है लेकिन बुरा नहीं है कर लेगा कुछ न कुछ आप चाय लीजिए अभी